मध्य प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह जानकारी देना है कि कैसे भारत का सिर्फ एक राज्य दूसरे देशों से कितना आगे है। इस वीडियो में बताया कि सभी जानकारी काफी रिसर्च के बाद लिए गए हैं। हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग भर्स ब्रो। वैसे तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, और अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो वह किन किन देशों से आगे होता, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एरिया से। मध्य प्रदेश की एरिया 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य है, और इसके साथ ही पूरे भारत का क्षेत्रफल का 9.38% शेयर रखता है। और अगर ये एक देश होता तो पूरी दुनिया का 71 सबसे बड़ा देश होता, और ये क्षेत्रफल के मामले में इटली, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा, बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, भूटान और भी कई सारे देशों से बड़ा होता। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन की। तो अभी 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन 8.45 करोड़ है, जो इंडिया का पांचवा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर ये एक देश होता तो पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में 18th नंबर पर अपनी जगह बनाती, और ये तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, इटली, साउथ कोरिया, कोलंबिया, केन्या, स्पेन और भी कई सारे देशों से जनसंख्या के मामले में आगे होता। तो बात करें मध्य प्रदेश के जीडीपी की, तो मध्य प्रदेश का जीडीपी 120 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से 9.17 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरी दुनिया में जीडीपी के मामले में 61 नंबर पर आता। आपको बता दो, मध्य प्रदेश जीडीपी के मामले में क्यूबा, केन्या, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, सर्बिया, सीरिया, नेपाल, जिम्बाब्वे, यमन और भी कई सारे देशों से अधिक होता। और अब बात कर लेते हैं जीडीपी पर कैपिटा की। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी पर कैपिटा 1,308 डॉलर है, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से 98,418 रुपया है, जो पूरी दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से 219वें नंबर पर होता। यह जीडीपी पर कैपिटा के मामले में साउथ सूडान, मलावी, डीआर कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया, बुरुंडी जैसे देशों से आगे होता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जिसका उपयोग किसी भी देश को मानव विकास के आधार पर मापने के लिए किया जाता है। इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम के आधार पर मापा जाता है। मध्य प्रदेश की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यह 0.606 है। इस हिसाब से यह पूरी दुनिया का 141वां स्थान पर होता। और अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो यह नेपाल, केन्या, म्यांमार, जिम्बाब्वे, सीरिया, पाकिस्तान, युगांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और भी कई सारे देशों से आगे होता। और आपको बता दो, मध्य प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीडियम कैटेगरी में आता है। मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट 70.6% है, और अगर यह एक देश होता तो लिटरेसी रेट के मामले में पूरी दुनिया का 134वें नंबर पर आता। लिटरेसी रेट के मामले में यह यमन, नेपाल, भूटान, नाइजीरिया, सूडान, पाकिस्तान, इराक, लाइबेरिया, अफगानिस्तान और भी कई सारे देशों से आगे होता। जियोग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश, पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र और पश्चिम दिशा में गुजरात और राजस्थान है। और अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो इन्हें अच्छी खासी बॉर्डर के रखवाले के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती, और इसके साथ ही एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश किसी भी समुद्री तट से संपर्क में नहीं है, इसलिए ये तो साफ है कि इन्हें नेवी की जरूरत नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल भाषा हिंदी है, और अगर यह एक देश होता तो इसका राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही होती। और अब बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय चिन्ह की, तो यहाँ की राजकीय पशु इंडियन पैराडाइज है, जिसे हिंदी में दुधराज पक्षी कहते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल पलास है, राजकीय फल आम है और राजकीय पेड़ बरगद का पेड़ है। और अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो इनकी स्टेट सिंबल नेशनल सिंबल्स बन जाती। वहीं अगर खेल की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे खेल पॉपुलर है। और अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो इन्हीं खेलों में से कोई एक खेल इनका राष्ट्रीय खेल बन जाता। बात करें करेंसी की, तो मध्य प्रदेश में बेशक रुपी ही चलता, लेकिन हो सकता है कि महात्मा गांधी के फोटो की जगह मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के फोटो हो सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद,
रानी अवंतीबाई, रविशंकर शुक्ला इन्हीं महान प्रसिद्ध व्यक्तियों के फोटो हो सकते हैं। आपकी राय क्या है, इन महान प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसकी फोटो नोट पर होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।